नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे वैदिक काल को, देख चुके हैं वैदिक काल के बाद अब हम लोग बात करेंगे महाजनपदों का उदय देखेंगे। ठीक, याद रखिए आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित लेक्चर ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। चलिए जनपदों को देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। याद रखिए बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अगुंतर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अगुंतर निकाय में उल्लेखित जनपद हो गए, ये राजधानी हो गई और ये क्षेत्र। पहला है अंग, अंग की राजधानी थी चंपा और इसका क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर बिहार, याद रखना। अंग की राजधानी क्या है, चंपा, और इसका क्षेत्र क्या है, भागलपुर मुंगेर बिहार, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर दूसरा है मगध, मगध की राजधानी क्या है, ग्रीवज राजगृह, और इसका क्षेत्र है पटना एवं गया बिहार में। मगध, मगध की राजधानी क्या है, ग्रीवज या राजगृह, इसका क्षेत्र है पटना एवं गया बिहार। काशी, तीसरा काशी या जनपद, तो इसकी राजधानी रही है वाराणसी और इसका क्षेत्र है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। चौथा है कौशल, कौशल की राजधानी रही है साकेत एवं श्रावस्ती, इसका क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है। वज्जी या वज्जी गणतंत्रात्मक थे वैशाली इसकी राजधानी है, इसका क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर के आसपास बिहार में थे, ठीक। मल, मल की बात करें तो कुशीनारा या पावा इसकी राजधानी रहा है। देवरिया एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र था। सातवा है चैदी, इसकी राजधानी थी सुक्तमती और इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास। फिर वत्स, कौसाम्बी, और इसका क्षेत्रफल था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का, ठीक। कुरुच, इंद्रप्रस्थ, इसका क्षेत्रफल था क्षेत्र जितने क्षेत्र में फैली हुई थी मेरठ तथा हरियाणा के क्षेत्र, ठीक। याद रखिए पहला अंग जिसकी राजधानी चंपा, दूसरा मगध जिसकी राजधानी है ग्रीवज या राजगृह, तीसरा है काशी इसकी राजधानी थी वाराणसी, चौथा है कौशल इसकी राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती, पांचवा है वज्जी इसकी राजधानी थी वैशाली, छठवा है मल्ल इसकी राजधानी थी कुशीनारा, और फिर सातवा चैदी इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, इस आठवा बस कौसाम्बी इसकी राजधानी कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर बात करते हैं दसवा पंचाल, इसकी राजधानी अहिचत या कांपुल थी, इसका क्षेत्र था आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश। फिर है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, इसका क्षेत्र भी मथुरा उत्तर प्रदेश में था। गंधार, तक्षशिला, इसकी जो इसका क्षेत्र था पेशावर तथा कश्मीर में। कंबोज, इसकी राजधानी थी राजपुरा या हाटक, इसका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। फिर है अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल, इसका क्षेत्र था गोदावरी क्षेत्र, याद रखिए इसे, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महेशमती, इसका क्षेत्र था मालवा और मध्य प्रदेश। सोलवा मत्स्य था, इसकी विराट नगर थी इसकी राजधानी, जयपुर के आसपास का इसका क्षेत्र था। कंबोज जो जनपद था ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, कंबोज आपका घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। वज्जी संघ, आठ कुलों का एक संघ था ये। पंचाल, पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है।
आठ राज्यों का एक संघ था। ये रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गौतम बौद्ध के समय अवंती के राजा भृगुहोत था। गौतम बौद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? भृगुहोत। आगे बात करें, बुद्ध के समय कौशल का राजा विसेनजीत था। मगध का राज्य बिम्बिसार गौतम बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक था। मगध का राज्य बिम्बिसार जो यहाँ का राजा था वो गौतम बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक था। संरक्षक बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था। ठीक है, बुद्धकालीन चार शक्तिशाली राजतंत्र कौशल मगध वत्स अवंती थे। बुद्धकालीन चार शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन से थे? कौशल मगध वत्स अवंती। ठीक है, आगे बात करते हैं। गंधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्तेप जीवना कहा गया है। उत्तरापर्थ मार्ग उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति लिपि तक जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था उत्तरापथ। दूसरा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था। तदुपरांत उत्तरापथ मार्ग से संबद्ध हो जाता था। ये तीसरा मार्ग था, दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था ये। ठीक, और आपका जो चतुर्थ मार्ग था ये भृगु कक्ष से मथुरा तक जाता था, उज्जैनी होकर जाता था ये। ठीक, फिर दक्षिणी मार्ग दक्षिण का ये प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक बहुत महत्वपूर्ण था ये। इस व्यापारिक मार्ग का पर व्यापार की बहुमूल्य वस्तुएं मुक्ता मणि हीरा सोना शंख के कारवां चलते थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एवं पश्चिमी तट पर मृगु कक्ष महत्वपूर्ण पतन थे। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे महाजनपदों से संबंधित प्रमुख तत्व। अब आगे बात करेंगे हम लोग प्राचीन कालीन धर्मों के बारे में बात करेंगे, जैन बौद्ध वैष्णव शैव ईसाई इस्लाम। ठीक है, इन सभी धर्मों को देखेंगे हम लोग।